हरियाणा में नायब सरकार आत्मविश्वास से लबरेज, मंत्रिमंडल की बैठक के लिए कई फैसले। प्रदेश के 2.80 करोड़ लोगों की सेवा का वादा किया। हरियाणा सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। सीएम सैनी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को भ्रमित किया, किसानों को भड़काने का काम किया। ऐसा कहा भी है कि कांग्रेस ने इस प्रकार का नैरेटिव, इस प्रकार का भ्रम लोगों के अंदर खड़ा किया था कि ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, ये सरकार जा रही है, किसानों को भड़काने का काम किया। वो सारा का सारा उनका जो कृत्य थे वो सामने आ रहे, उन्हीं के बीच में से। हरियाणा के लोगों को सीएम के स्वागत, अस्पतालों में डायलिसिस फ्री, बोले किसान नहीं जलाएंगे पराली। हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री बनी श्रुति चौधरी, कहा मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में निर्देश दिए कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हमने बात करी सारे किसानों की, जो जहाँ पे उठान हो रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही, आनी चाहिए। डीएपी की जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर अच्छी तरह से बात हुई और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने। सीएम सैनी ने कैबिनेट मंत्री बनने पर अनिल विज को खिलाया लड्डू। विज ने कहा लोगों की सेवा करना ही होगी प्राथमिकता। लोगों की सेवा करना ही प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी में सबको यही सिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे बच्चा पैदा होता है तो दादी गुड़ती देती है, उसी प्रकार से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रवेश करता है। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर खुश हुए असीम गोयल, लोगों को बांटी जलेबी। राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह को भी भेजी जलेबी, कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नायब जी दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के, और उस खुशी के अंदर हमने आज जो है कार्यकर्ताओं ने जलेबी का प्रसाद रखा है। भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं का आधारित संगठन है, सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे गर्व और गौरव प्राप्त है कि मैं उस पार्टी। असीम गोयल का कांग्रेस पर आरोप, कहा राहुल गांधी ने हरियाणा के हजारों हलवाइयों की रोजी पर लात मारने का काम किया। गए थे इतालवी कल्चर उनके ध्यान था, ये हरियाणा से प्रधान मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो जड़ से और जमीन से जुड़ा आदमी है, आप यहाँ के हजारों हमारे हलवाई साथियों की पेट के ऊपर लात मारने आए थे। तो शुरुआत है, इब्तदा इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए, रोता है क्या आगे आगे देखिए, होता है क्या। राहुल गांधी जी ना। श्याम सिंह राणा का रादौर दौरा, कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया, कहा रादौर को विकसित बनाने के लिए सभी के सहयोग से करेंगे काम। ऐसा महसूस हो रहा कि उन्होंने पूर्ण तौर से रादौर के लोगों को आशीर्वाद दिया। 2 लाख लोग हैं हमारे वोटर, सबको आशीर्वाद हमारे नेतृत्व ने दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं जो पद मिला। हरियाणा पुलिस ने किया सीएम सैनी का सम्मान, नायब सैनी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। हरियाणा शपथ ग्रहण के बाद सचिवालय में मंत्रियों को रूम हुए अलॉट, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्री अपने अपने कार्यालय से कामकाज का करेंगे आगाज। जींद के एसडीएम के गनमैन ने किया सुसाइड, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, सुसाइड के कारणों की पुष्टि नहीं। रणवीर गंगवा ने जताया जनता का आभार, कहा बीजेपी ने जो कहा वो किया, सरकार 2 लाख लोगों को रोजगार देगी, मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, हमने पहले भी चाहे वो 14 की बात हो चाहे 19 की बात हो, जो भी हमारा घोषणा पत्र था उसको पूरा करने का काम किया, और अभी भी हमारा जो संकल्प पत्र है उस पर कार्य करते हुए हमें उस